आज मैं आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल चूरा वड़ा पाव की सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगी। ये वड़ा पाव बहुत ही टेस्टी लगता है, स्पाइसी और टेस्ट में एकदम लाजवाब बनता है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल स्पाइसी और टेस्टी चूरा वड़ा पाव। पहले हम बैटर बना लेते हैं। 3 कप बेसन लिया है, ये 250 ग्राम है, इसे मैंने छान के लिया है। 1/4 कप चावल का आटा डालेंगे, 1.5 टीस्पून नमक या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून हींग, 1/8 टीस्पून खाने का सोडा, मीठा सोडा, 1/4 टीस्पून का आधा हिस्सा हल्दी एकदम थोड़ी, 2 चुटकी जितनी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर बना लेते हैं। बैटर हमें इतना गाढ़ा बनाना है। मैंने यहाँ पे 1 कप और 1/4 कप में आधा पानी यूज किया है, 1+1/8 कप जितना पानी मैंने यूज किया है। ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम आलू का मसाला रेडी कर लेते हैं। वड़ा बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिया है। आलू को बॉईल करके इसका छिलका निकाल लिया और फिर इसे हाथ से तोड़ के थोड़ा रफली मैश किया है। आलू का मसाला बना लेते हैं। 6 तिक्खी वाली हरी मिर्च, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और 2 छोटे टुकड़े है, 14 से 15 लहसुन की कली है। इसकी रफली पेस्ट ही बनानी है, इसे चॉप करके नहीं लेना है। इसकी पेस्ट बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून तेल डाल दिया है, इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। 2 टीस्पून राई डालेंगे, राई को थोड़ा क्रैकल होने देंगे, 1/2 टीस्पून हींग, 15 से 20 करी पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्ची अदरक लहसुन की हमने रफली पेस्ट बनाई है ये डाल देंगे। धीमी आंच पे मसाला सौते कर लेते हैं। धीमी आंच पे 2 मिनट मसाले को सौते कर लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। एक किलो आलू को बॉईल किया है ये डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आलू का पीस अगर कोई बड़ा है तो आप इस तरह से इसे तोड़ सकते हैं। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, गैस ऑफ कर देंगे। 1 नींबू का रस डाल देंगे। मैंने एकदम छोटा नींबू का रस लिया है, अगर आप बड़े नींबू का रस ले तो 1/2 नींबू का रस डालें। 1/2 कप हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू का मसाला रेडी है, इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा कर लेते हैं। ये ठंडा हो गया है, इसका हम बॉल बना लेते हैं। जितनी साइज का वड़ा बनाना हो उतनी साइज का आप बॉल बना सकते हैं। इसे थोड़ा मैं इस तरह से फ्लैट बनाऊंगी, थोड़ा सा चपटा वड़ा बनाएंगे। इस तरह से इसका बॉल बना के रेडी कर लेते हैं। बैटर में 1 टेबलस्पून गरम तेल डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वड़ा के लिए हमें इतना बैटर गाढ़ा रखना है। तेल गरम करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेंगे गरम हुआ है कि नहीं। गरम हो गया है, वड़ा को इस तरह से बैटर पे डिप करेंगे, चम्मच से इस तरह से उठा लेंगे,
एक्स्ट्रा बैटर जो है इस तरह से निकाल लेंगे और इसे तेल में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे वड़ा को फ्राई करेंगे। तुरंत इसे चलाना नहीं है, थोड़ा सा फ्राई हो जाए इसके बाद इसे पलटना है। एक मिनट के बाद इसे पलट लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। उलट पलट के इसे फ्राई कर लिया है और इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से वड़ा में से हम पूरा तेल निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी का वड़ा भी फ्राई कर लेते हैं। वड़ा में डालने के लिए थोड़ा चूरा भी बना लेंगे। इसी बैटर का हमें चूरा बनाना है। बैटर को इस तरह से डालेंगे, ऊपर से डालना है इस तरह से। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। पाव में हमने बीच में से एक कट लगा लिया है इस तरह से। पाव में डालने के लिए लहसुन की ड्राई चटनी ली है। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। पाव में इस तरह से लहसुन की ड्राई चटनी डालेंगे। चटनी आपको जितनी चाहिए उतनी आप डाल सकते हैं। बीच में इस तरह से वड़ा रखेंगे और ये हमने चूरा बनाया है, ये ऊपर डालेंगे इस तरह से। ऊपर थोड़ी चटनी डालेंगे, इस तरह से सर्व कर सकते हैं। एकदम टेस्टी और स्पाइसी चूरा वड़ा पाव रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।